अपने माँ बाप से जरा एहतियात इख्तलाफ ना करें, चुप रहें। घरेलू मामलात हैं, अजवाजी जिंदगी में भी इख्तलाफ आ सकते हैं। सारा जोर इख्तलाफी जिंदगी के इख्तलाफ दें, माँ बाप को माफ करें, उनकी दुआएं लें। ये तो होंगे पहले दो तीन दिन घरेलू मामलात। जो बीच में दो दिन आएंगे जुम्मा जुम्मा बुध जुमरात, उसमें आपके ये जो रोमानी मामलात में आप लगे रहते हैं ना, वो आपको धोखा दे रही है। हमारा फर्ज बताना। वेल यानी आप कह रहे हैं कि रोमांस में धोखा आ रहा है। हाँ हाँ, चीटिंग बुध जुमरात को, चीटिंग चीटिंग एंड मीटिंग, मीटिंग देन चीटिंग। अच्छा, यूं कहना चाहिए ना। तसलसल तो ऐसे बनेगा। तो यूं आपका रोमानी मामलात में मामला कुछ ठीक नजर नहीं आता। और आखिर में ये है कि आप अपना ये जो आपका कैरियर है उसको जरा ध्यान दें और कैरियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन अगर रोमांस में चीटिंग हो रही हो तो बंदा बड़ा दिल बर्दाश्त हो जाता है, कैरियर तो अफेक्ट होगा उससे। पर अली जो कुछ है मैं बताना पड़ता है कि रोमानी मामलात में वो कुछ ठीक उनको धोखा हो रहा है, वो अब मूड बनाए या ना बनाए ये उनकी मर्जी। ये सॉरी हजरात के अपने पर है। अच्छा, धोखे को रोक सकता है बंदा? आप उधर ना जाए घर बैठे। मुश्किल तो आप ही पर है ना कि छोड़ दें। छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, रोमांस तो नाम ही इसी चीज का। बात यूं बन जाए कि बात वो गालों के एक बड़ा मशहूर मित्र है, बात यूं बन जाए कि बात किए ना बने। हाँ, बात किए ना बने। तो ये जनाब सिलसिला जो थोड़ी रात का है वो जो कुछ है मैं बताना पड़ता है कि हफ्ते के वस्त में रोमानवी पार्टनर के साथ जरा पॉलिसी से काम लें और उसको समझने की कोशिश करें ताकि आप बार बार धोखे में ना आए। आइए जोजी हजरात की तरफ। जी, जमेनाई जोजी हजरात, आपका